भाभी होगी जो ननंद के जाने पर रोती होगी। मम्मी की इस बार एक बारी खाने की तारीफ तो कर दो। मम्मी ने बड़ा बनाया जवाई के लिए। साथ कर दिया है। कुछ नहीं खिलाया। इतना स्टार्टिंग में कुत्तों की तरह तो खाया हमने। बस मैं खुशी खुशी जा रही हूँ। मेरे को खुशी खुशी भेजो। अभी दो घंटे पहले लेक्चर दे रहा था। सब वो माया छोड़नी पड़ती है। वो माया छोड़ दे। क्यों रो रहा है? Hey guys, my name is Yash. Hi guys, my name is Priyanka. And together we are The Authentic Indian. Welcome back to our channel and welcome back to our new vlog. Yes. आप लोगों ने हमारा पुराना vlog देखा ही होगा जिसमें हम इंडिया आए थे। अब हमारा वापसी का टाइम हो चुका है। ऑलमोस्ट हमने डेढ़ महीना लगाया इंडिया में। हम जो है यहाँ से जो है वो ब्रसल्स जा रहे हैं। बेसिकली यूरोप के अंदर एंटर करेंगे बेल्जियम में। तो आपको पूरे जो है वो प्रोसेस के बारे में बताएंगे, क्या क्या चीज़ें हमसे मांग रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी के लिए हमने जो है अपने बोर्डिंग पास अपने पास रख लिए हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के लाए थे हम। साथ में हमने RT-PCR कराया हुआ है 72 आवर्स डिपार्चर से पहले, बिकॉज अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो आया एनी गल्फ कंट्रीज, जैसे कि हम लोग जो है अबू धाबी से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो हम लोग 72 आवर्स पहले अपना RT-PCR करा के आ रहे हैं। और पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरा है हमने यूरोप के लिए, तो अगर आपके पास पैसेंजर लोकेटर फॉर्म नहीं है तो वहाँ पर बहुत हैविली फाइन भी कर रहे हैं वो लोग, तो प्लीज़ अपना पैसेंजर लोकेटर फॉर्म ज़रूर भरना। तो अभी जो है हम चेक इन कराने के लिए अंदर जाएंगे, देखते हैं वेट वगैरह हमारा ओके आया है या नहीं। हमने घर पे वो एक बहुत बड़ा हसल है। बाकी अभी के लिए ये मेन डॉक्यूमेंट्स है जो हमने अभी दिए हैं इन लोगों को। हम लोग फिर से वेरीफाई टू फ्लाई कर रहे हैं इतिहाद के लिए, जिसमें हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए इन लोगों को और इन लोगों ने हमको वेरीफाई कर दिया फ्लाई करने के लिए। तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या मांगते हैं। और मैं बता दूँ, हमारे पास 90 kg वेट था क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वेट लिया था। और अभी भी हमें डाउट है कि हम थोड़े से ओवरवेट ना हो जाए। हमने घर पे बहुत मैनेजमेंट करी है वेट मैनेजमेंट। अब देखते हैं, अभी भी लाइक माई फिंगर्स आर क्रॉस, तो होप सो सब कुछ अच्छे से चेक इन हो जाए। तो चलो फटाफट व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। सो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो। हे गाइस, तो आप लोग हमको सीधा देख रहे हैं बेल्जियम में। तो हम लोग बेल्जियम पहुंच चुके हैं। लास्ट टाइम मतलब पिछले शॉट में आप देख रहे होंगे कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, बट हम लोग जो है वहाँ पे शूट नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये है कि भाई इतनी भागा दौड़ी होगी थी वहाँ पे। हाँ। क्योंकि एक्चुअली हम लोग टाइम से ही निकले थे घर से। हमारी जो है वो 4:20 की फ्लाइट थी मॉर्निंग में, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस या यू नो क्यू भी बहुत लंबे, बाहर इवन मेन गेट पे बहुत लंबी क्यू थी। हमको अंदर एंटर करते करते ही ऑलमोस्ट घंटा लग गया। नहीं, ज्यादा लगा था। 40 मिनट नहीं, एक घंटा लग गया था हमको ऑलमोस्ट अंदर है। बिकॉज पता नहीं वहाँ पे बीच में जो ऑफिसर्स थे वो भी अंदर जा रहे थे, तो काफी टाइम लग गया था हमको। बहुत स्लो, उसके बाद चेक इन भी बहुत स्लो हो गई थी। और इतिहाद के लिए हम बता दें आपको, हाँ पता नहीं मैंने पीछे बताया नहीं, स्पेशली जो लोग इतिहाद से फ्लाई कर रहे हैं। हाँ। वो लोग भाई कैबिन बैग भी चेक कर रहे थे कि 7 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे केस में ऊपर थोड़ा हो गया था, तो उन्होंने हमको बोला सामान निकालो, तो वहाँ पे हमारा काफी टाइम वेस्ट हो गया था। तो हमने अपने घर वालों को जो है वो मेन गेट पे ही बोला हुआ था रुकने के लिए। तो हमारा जो जो सामान एक्स्ट्रा हो रहा था, क्योंकि हमने सोचा था कि कैबिन बैग में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं, क्योंकि चेक इन बैग में हमारी कुछ कंडीशन मतलब वो थी थ्रेशोल्ड था कि हम ज्यादा नहीं लेके जा सकते थे। लेकिन उन्होंने हमारा कैबिन बैग भी चेक करवा दिया था वहां पे। तो जितने लोग इतिहाद से फ्लाई कर रहे हैं, आई डोंट नो अदर एयरलाइंस वाले भी सेम कर रहे हैं या नहीं, प्लीज अपना कैबिन बैग भी यहाँ देख के लेके जाओ, हमारी तरह ना हो। क्योंकि हमारे दो बैग्स का वेट जो है वो 20 kg हो गया था, मतलब हर बैग में 3-3 kg एक्स्ट्रा था हमारे। तो अपना भाई वेट बहुत, इंडिया ट्रिप पे जाते हैं पता नहीं वेट कहाँ से इतना ज्यादा हो जाता है। हाँ। बट हमारा भी बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया। तो हमने वहाँ पे इमीडिएटली अपने घर वालों को काफी सामान निकाल के दिया था। तो उसके बाद हाँ, तो हमको काफी टाइम लग गया था वहाँ चेक इन काउंटर के ऊपर भी। और बहुत लोगों को लग रहा था सिर्फ हमारा मारा नहीं। हाँ, वो वहाँ पे किसी का भी बैग खुल रहा था, बिकॉज यू हैव टू देन मेक श्योर कि वो कह रहे थे अगर इतना है तो इतना ही होना चाहिए, मिला के भी नहीं मान रहे थे वो लोग। तो जितने लोग एहतियात से फ्लाई कर रहे हैं आज के बाद, तो थोड़ा देख लेना ठीक है। तो इसलिए हमको टाइम लग गया था। तो अपना टाइम से पहले पहुंच जाना। और ऊपर से जो मैं आपको पहले भी बता रहा था
कि बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन बहुत फोगी था, तो उन्होंने बोला था कि हम थोड़ा जल्दी डिपार्ट करेंगे अपने यूजुअल टाइम से, आई डोंट नो ये नॉर्मल है या नहीं है, तो उस वजह से हमारी भागा दौड़ी बहुत हो गई थी, क्योंकि हमको इमिग्रेशन में भी लगना पड़ा था जहाँ पे बहुत लंबी क्यू थी। तो हम लोग जो है ऑलमोस्ट फाइनल कॉल पे पहुंचे हैं, मतलब हम निकले हैं एंड लाइक जैसे हम अपना स्क्रीनिंग वगैरह सिक्योरिटी चेक, क्योंकि बैग्स भी बहुत सारे होते हैं और वो सब कुछ उतरवाते हैं, जैकेट उतरवाते हैं, तो एक्चुअली में बहुत टाइम लग जाता है। और जैसे ही हम निकले एंड हमने एक दो एरिया क्रॉस करा, हमने देखा कि वन लेडी वॉज जो उनके वो होते हैं बंदे, वो शाउट कर रहे थे कि अबू धाबी फाइनल कॉल। तो यश ने हल्का सा सुना, यश कहते हमारी का है, मैंने कहा नहीं नहीं यार कैसे होगा अभी से। तो जब हमने वहाँ पे आके बोर्ड पे देखा तो इट वाज ऑलरेडी फाइनल कॉल, उसके बाद जो हम भागे हैं तो शूट करने का बिल्कुल टाइम ही मिला। तो इसलिए ये वीडियो इसलिए थी कि जितने लोग एहतियात से फ्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा, या दूसरी एयरलाइंस पे भी, थोड़ा टाइम से पहले ही पहुंच जाओ, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत लंबी क्यूज है और बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा टाइम भी लगता है, इतना ज्यादा भीड़ में जाने का फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर जो है अपना फाइनली हम लोगों ने फ्लाइट बोर्ड कर ली थी अबू धाबी के लिए। ठीक है, तो अबू धाबी के लिए फिर हमने फ्लाइट बोर्ड करी, उसके बाद जो है हमारा जो ले ओवर है जो सर। और मैं आप लोगों को एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा, आप जब भी इतिहाद की बुक फ्लाइट मतलब बुक करें, प्लीज खाना ना सिलेक्ट करें। हाँ, क्योंकि हमने वेजिटेरियन मींस मील सेलेक्ट की थी और बहुत ही गंदा खाना था। अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते तो वो आपको ऑप्शंस दे देते हैं। हाँ। ठीक है, जैसे कुछ लोग एग भी खा लेते हैं, जैसे हम लोग नॉन वेज नहीं खाते बट एग खा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो लेकिन जब हमने वेजिटेरियन सेलेक्ट किया था तो वो जो भी दे रहे थे हमें लेना ही पड़ा था, मतलब कुछ ऑप्शन ही था उसमें। हाँ, तो आपके लिए एडवाइस यही होगी कि कुछ सेलेक्ट मत करना, वहीं पे उनसे ऑप्शन पूछो और अपना खाना ले लो। ठीक है, तो उसके बाद हम पहुंचे थे अबू धाबी, जहाँ पे हमारा था 1 hour 30 minutes का लेओवर। ज्यादा लंबा लेओवर नहीं था, लेकिन वो सिक्योरिटी चेक वगैरह वहाँ पे भी करते करते थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है, क्योंकि आपको दूसरे टर्मिनल तक भी पहुंचना होता है। तो आई थिंक हम लोग वहाँ पे सिर्फ जो है वो 20 से 25 मिनट ही बैठ पाए थे, ज्यादा लंबा नहीं था, मतलब इतना ही था कि अपना मूड हो सकते हो या थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हो सकते हो। पर ऐसा नहीं था कि टाइम कम था, इट वाज एनफ, हम जाके बैठे थे। काफी लोग क्वेरीज भी पूछ रहे थे कि 1.5 घंटे का लेओवर बहुत है या नहीं है। इट्स मोर देन इनफ, बहुत जल्दी प्रोसेस होता है वहाँ पे। हाँ। और सबसे बेटर बात वहाँ पे क्या है कि अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर आपको लैपटॉप वगैरह निकलवाते नहीं है, आपके बैग में लैपटॉप है तो वहीं के वहीं स्कैन हो जाते हैं। सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी तो होती है। तो अबू धाबी से फिर हम निकल के आ गए थे बेल्जियम। बेल्जियम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पीएलएफ फॉर्म। आई थिंक आप लोगों को पहले से पता होगा, तो पीएलएफ फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि फाइन्स हमारे आगे काट रहे थे वो लोगों के, और 250 यूरोस का फाइन है। ठीक है, तो पीएलएफ फॉर्म भर के आना, और उसके बाद पीएलएफ, अब जो इंडिया जो है करंटली आपको बता दूं वो रेड जोन में आ चुका है, क्योंकि हमारे आते ही हमको मैसेज आ चुका था। तो बेस्ड ऑन योर पीएलएफ फॉर्म जो आपका कोड जनरेट होता है, तो उन्होंने हमको 2 कोड जनरेट करके दिए थे हमारे day 1 के टेस्ट के लिए और day 7 के टेस्ट के लिए। तो हमारे 2 टेस्ट होने थे यहाँ पे, day 1 पे और day 7 पे। अगर आपका day 1 पे नेगेटिव आ जाता है तो आपका day 7 पे फिर से टेस्ट होगा। तो अगर वो भी नेगेटिव आ जाता है मतलब तो ठीक है। और उसके अंदर कोड भी बताता हूँ, day 1 पे अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो आपका क्वारंटाइन खत्म भी हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अगर आपका day 1 पे पॉजिटिव आ जाता है तो आपको सेकेंड टेस्ट की तब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पॉजिटिव ही आ चुका है। तो आपको फिर 7 डेज के लिए आइसोलेशन में रहना होगा। तो अपने जीपी को कॉन्टैक्ट करो, या अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जीपी बता सकता है आपको। ठीक है, तो अगर आपका फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव आया तो सेकंड टेस्ट होगा day 7 पे। अगर वो भी नेगेटिव आया तो मजे करो, बेल्जियम में घूम लो अगर घूम सकते हो, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। yes. तो भाई ये था पूरा जो हसल हमारे साथ हुआ था। ऑफ कोर्स हम लोग ये पूरा शूट नहीं कर पाए, बीच तक की शूट आपने थोड़ा पहले दिल्ली एयरपोर्ट तक की शूटिंग देखी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी, जो भी हमने एयरलाइन रिलेटेड दिए या रूल रिलेटेड दिए, जो दिल्ली एयरपोर्ट स्पेसिफिक चीज़ें हमने देखी वो आपको बताई। आपको इन्फॉर्मेशन लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी जो शायद यश ने मिस कर दी। अगर मतलब इंटरनेशनल गेट से एंटर करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप डोमेस्टिक गेट से भी एंटर करते हो, ये भी हमारी एक मिस्टेक थी। अगर हम डोमेस्टिक गेट से एंटर करते तो शायद हम जल्दी अंदर एंटर कर जाते, बट इंटरनेशनल गेट के बाद बहुत लाइन थी और अंदर जाके हमें वापस डोमेस्टिक की साइड पे ही जाना पड़ा था। हाँ, क्योंकि इतिहाद का जो काउंटर था वो उसी साइड पे था, गेट नंबर 2 था जो कि डोमेस्टिक के पास ही था। बट ठीक है, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, तो गुड इन्फॉर्मेशन गिवन बाय प्रियंका। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना क्या अच्छा लगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अगले व्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय। बेल्जियम के अंदर व्लॉग्स बनेंगे आगे के। Yes, हाँ, बट हमारे कुछ पहले के व्लॉग्स इंडिया के बचे हुए हैं जो हमने एडिट करने हैं या कर रखे हैं, तो वो भी आएंगे बीच में। ठीक है, तो वो आते रहेंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।